रात से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और डायल 112 का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा रात भर देखने को मिला। कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर तैनात महिला कर्मचारी जो रात भर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। कम वेतन और ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने का आरोप लगाया गया। कम वेतन और ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने का आरोप लगाते हुए डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते काम भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर लगातार महिलाएं धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और देर रात से ही महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। देर रात तक सभी महिलाएं धरने पर बैठी रहीं और आज एक बार फिर से नए दिन की शुरुआत होते ही महिलाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सीएम आवास की ओर कूच करने की भी अब प्रदर्शनकारी महिलाएं तैयारी कर रही हैं और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा देर रात से देखने को मिल रहा है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, डायल 112 की महिला कर्मचारियों का धरना लगातार देर रात से ही देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है कलीम? जिस तरीके से बात की जाए, डायल 112 जो आउटसोर्स की जो महिलाएं हैं वो लगातार अपनी इन मांगों को लेकर कल दोपहर से ही प्रोटेस्ट कर रही थी। यानी कि जो मांगों की बात की जाए, जिस तरह से देर रात भी उनका प्रदर्शन चला, अगर हम लाइव तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ की आप जो लाइव तस्वीरें देख रही है ये वही महिला डायल 112 की आउटसोर्स महिलाएं हैं जो लगातार जो सूचनाएं लेती हैं और सूचनाओं को आगे पास करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से कंपनी का जो ट्रांसफर हुआ, कंपनी दूसरी कंपनी ने उसको जो जब से लिया है, तो इन लोगों की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही, क्योंकि जो मांगों की अगर बात की जाए, अगर हम इन लोगों से अगर बातचीत भी करने कोशिश करेंगे, अगर मुस्कान जी, तो आप खुद इन लोगों की जुबान से इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी सुन पाएंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर के यहां पर पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। ये बताइए, आप लोग यहां पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं, क्या कुछ पूरी मांगों को लेकर के आप लोगों ने आवाज उठाई है? जी सर, हम लोग सैलरी को लेकर के बात हुई, हम लोग को ऑफर लेटर नहीं दिया गया था, कंपनी चेंज हुई थी सर, इसलिए हम लोग अपना राइट मांग रहे थे कि हम लोग को दिवाली के पहले ऑफर लेटर दे दिया जाए और हम लोगों की सैलरी जो है वो 18,000 कर दी जाए, क्योंकि हम लोग सर अभी तक 10,000 में काम कर रहे हैं सर, 7 सालों से हम लोगों ने सर 7 सालों में हमेशा पुलिस को कोऑपरेट किया है सर, हर समय खड़े रहे हैं, अपना त्यौहार छोड़कर खड़े रहे हैं और सर हम लोगों को एक छुट्टी नहीं मिलती, हम लोगों को सर रात हम लोग सुबह से आप क्या कह रहे हैं वीक में एक छुट्टी भी नहीं दे रहे हम लोगों को, पूरे 30 के 30 दिन ऑफिस बुला रहे हैं। मुस्कान जी, जैसा कि आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो इन लोगों की मांगे हैं, यानी कि अगर बात की जाए कल दोपहर से ही लगातार ये लोग पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई हैं। उस दौरान अगर बात की जाए जो एडीजी हैं उन्होंने भी इन लोगों से जो वार्ता की थी, वार्ता के बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला था। लेकिन अगर सुबह की अगर बात की जाए, जब इन लोगों के द्वारा सीएम आवास की तरफ कूच किया गया था, तो उस दौरान जिस तरह से रोका गया और सभी को इको गार्डन भी भेजा गया, इको गार्डन भेजने के दौरान जिस तरीके से जो इन लोगों के जो आरोप हैं, उन आरोपों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई, मारपीट की गई, तो वो सभी आरोपों को लेकर के भी ये लोग साफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे भी बात, हाँ ये बताइए, जब इको गार्डन भेजा जा रहा था तो आप लोगों के जो आरोप हैं, क्या कुछ वार्ता हुई थी, किस? हमें जबरन घसीटा गया, धक्का दिया गया, बाइक के नीचे हम दब गए, किसी के हाथ पे चोट आई है, आप देख पड़ी हुई है, एक लड़की बेहोश होकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, कुछ नहीं पता किस हॉस्पिटल ले गए, यहाँ देखिए उसको बेहोश हुई तो पानी भी नहीं पिलाने दिया है, और आधी लड़कियों के फोन पर रोक लिया गया है, चौकी पर रोक लिया। जो मांगे आप लोगों की थी, उन मांगों को लेकर के किसी तरह की बातचीत हो पाई है? क्योंकि कल जिस तरह से एडीजी ने साफ कहा था कि आप लोगों को ऑफर लेटर के साथ साथ जो सैलरी का इशू था वो निपटाया जाएगा, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने आप लोगों को कर दिया था, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने, हम लोग पूरी रात रोड पे बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और हम लोग सीएम आवास जा रहे थे तो मारपीट करके हम लोगों को बंद करके यहाँ लाके दे सर, हम लोगों को रात में टॉयलेट नहीं जाने दिया गया, हम लोग टॉयलेट के लिए परेशान थे, हम लोग दुपट्टा लगा के टॉयलेट किए हैं सर, हम लोग को ना टॉयलेट जाने दिया गया, ना सुबह लड़कियों को फ्रेश होने दिया गया सर, ना एक बूंद पानी दिया गया सर, हम लोग को उसमें भी टॉर्च दिखाया जा रहा था जब हम लोग वॉशरूम गए थे। तो मुस्कान जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरें देख रही हैं, ये वही महिलाओं की जो भीड़ है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के कल दोपहर
12 बजे से लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले की अगर बातचीत की जाए, कल जिस तरह से कवरेज करने के लिए टीम भी पहुंची थी, तो जाहिर सी बात है उनको भी रोका टोका गया था। रोकने टोकने के बाद फिर ये लोग सड़कों की तरफ, जो बात की जाए मुख्यालय के जो गेट है उधर की ओर पहुंची थी, उस दौरान भी पुलिस ने काफी रोकने का प्रयास किया था। तब जो पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, अधिकारियों ने जो वार्ता की थी उस दौरान आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन वो जो आश्वासन की बात की जाए तो उस आश्वासन से भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला था। उसके बाद लगातार ये सभी जो महिला कर्मचारी हैं, ये सभी देर रात तक सड़कों पर बैठी रहीं। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, सुबह जैसे ही हुई और सुबह के बाद इन लोगों का जो कूच था वो सीएम आवास की तरफ था, लेकिन सीएम आवास की तरफ बढ़ने का जो मामले की अगर बात की जाए, लगातार ये लोग सीएम से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस अधिकारियों की, तो लगातार पुलिस ने जो सुरक्षा के घेरा का बनाते हुए बात की जाए तो इन लोगों को सीधा इको गार्डन भेजा है। फिलहाल इको गार्डन पे की ही ये तस्वीरें हैं, और इको गार्डन पर यहाँ पर अगर बात की जाए, जो सपा नेता की बात की जाए, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये है क्योंकि वो भी लगातार इन लोगों से बात भी कर रही, तस्वीर आपके सामने है कि जो सपा नेता जो पूजा शुक्ला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी अगर हम बात करेंगे, ये बताइए पूजा जी, आप यहाँ पहुंची हुई है, आउटसोर्स महिलाओं से बातचीत आपने की है, अभी तक क्या कुछ निकल कर आपकी बातचीत में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, ये अपनी बात रखना चाह रही थी, ये मांग रख रही थी, ये सरकार से बात करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों के साथ जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही सोचने का विषय है। कि एक तो वॉशरूम बंद कर दिया, उसके बाद जो लड़कियाँ वॉशरूम जा रही हैं वहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं, ये पुलिस कर रही है। तो ये सोचने का विषय नहीं है कि जिस पुलिस को हम रक्षक समझते हैं, अगर वही भक्षक बनने का काम करेगी, वही इस तरह की अभद्रता करेगी तो क्या होगा? आज बेटियों का गलत बग गया, कई प्रेग्नेंट महिलाएं उनके साथ बदतमीजी की गई, तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है। बताएं पूजा जी, जिस तरीके से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर के तंज कसा है, एक्स पर भी उन्होंने कई बातें लिखी हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के आप इन लोगों तक पहुंची हैं, तो अभी तक इन लोगों से बातचीत के बाद क्या कुछ समाधान को लेकर के आप अगला कदम जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह की अभद्रता की गई है, जिस तरह से इन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, इनको अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला है, इनको पता नहीं है, इनकी कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये धोखा है पूरे इन बेटियों के साथ। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों के रोजगार की बात सरकार करती है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ना इनको नौकरी सही से दी जा रही है, ना इनको सैलरी सही से दी जा रही है, और जो बेटियां आज तक वहां पर काम करती थी, पुलिस की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाती थी, इन्हीं बेटियों को रात को मारा गया, पीटा गया, और किस तरह से इनको यहां भर के लाए हैं, और अभी भी इनकी दो साथी उनको थाने में बैठा करके ये प्रेशर किया जा रहा है कि अगर ये आंदोलन नहीं खत्म हुआ तो हम इन सबों को, मतलब उन दोनों को जेल भेज देंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, हम लोग इनके समर्थन में, इनके साथ में। आप भी एक महिला हैं, महिला नेता भी हैं, ये सभी महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ आप जो सहयोग की बात कर रही हैं, आप यहां तक पहुंची हुई हैं, जो इन लोगों की मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप इन लोगों का सहयोग करते हुए क्या कुछ आप लोगों का कदम रहेगा, जिससे कि ये जो न्याय के लिए दौड़ रही हैं, भटक रही हैं, पुलिस के साथ हस्तक्षेप भी हो रहा है, तो इन सभी मामलों को लेकर के आगे क्या कुछ आप इन लोगों की आवाज बनेंगी या आवाज किस तरह से उठाएंगी? देखिए, ये बेटियां जो भी चाहेंगी, जैसी इनकी आगे की रणनीति होगी, हम इनके साथ हैं। मुद्दा इनका जायज है, बात इनकी जायज है, अभद्रता इनके साथ हो रही है, अन्याय इनके साथ हो रहा है, और हम लोग जैसा ये निर्णय लेंगी, हर निर्णय में इनके साथ खड़े हुए हैं। ये आंदोलन को चलाना चाहेंगी, हम आंदोलन में इनके साथ बराबरी से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो सुबह इनके साथ हुआ कि ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, और मुख्यमंत्री सबके हैं, और उनको ये समझना होगा कि ये बेटियां आप ही की बेटियां हैं, ये आपसे मिलकर के अपनी बात रखना चाह रही थी, तो ऐसी क्या बात थी कि इनको पिटवा करके इको गार्डन भेजना पड़ा? इनमें से कितनी ऐसी बेटियां होंगी जिन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है, परेशान है, ये बीमार होंगी, कोई बात होगी, कोई घटना होगी, कौन जिम्मेदार है इनका? यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मुस्कान जी, आप साफ तौर से देख रही हैं आगे जो चीजें हैं साफ तौर से, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत की जाए आप खुद तस्वीरों में देख रही होंगी, बात तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बहुत अहम हो जाती है कि एडीजी से जो बीते दिनों बात हुई वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। अगर ऐसे में आगे इनकी मांगों को माना नहीं जाता है तो इनका अगला स्टेप क्या होगा, ये भी जानिए। देखिए, जाहिर सी बात है मुस्कान जी, जिस तरीके से, क्योंकि अगर बातचीत करने के लिए जिस तरह से ये खड़ी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर, पहले तो हम इनकी बात सुन लेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं।
हम लोग जो 112 में कॉल्स लेते हैं, अगर कॉलर्स भी हमें पुलिस के अगेंस्ट में कुछ बोलते तो हम लोग पुलिस के साइड लेते हैं कि हमारी पुलिस ऐसा नहीं करी। बट कल रात से जो कल 12 बजे से जो हम लोग के साथ पुलिस बिहेव कर रही है, पुलिस को हम लोग कुछ भी किसी की भी तरह से कोई भी गलत चीजें नहीं बोल रहे, ना ही किसी तरह से कोई रिएक्शन दे रहे। बट पुलिस का कहना है अगर तुम लोग ये धरना प्रदर्शन नहीं कम करते या किसी भी तरह से तुम लोग हम लोग की बातों पर रजामंदी नहीं देते हो तो तुम लोग अगर ये रहते हो तो तुम लोग का फायर करके तुम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे और नौकरी से निकाल दोगे। तुम लोग घटिया किस्म के लोग हो, अनपढ़, देहाती, गवार और अभद्र भाषा से बहुत गंदी तरीके से बिहेव किया गया है। हम लोग 112 में जो आपका इतना रिस्पेक्ट, हम लोग समझते हैं कि हम लोग इतना रिस्पेक्टफुली हैं कि हम रिस्पेक्ट से इट इस बात की जा सके। किसी भी इंसान ने किसी भी तरह से कोई आदर से कोई बात ही नहीं की है हम लोगों से। अच्छा ये बताइए, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत लगातार, अधिकारियों का जो कहना है कि वो लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है। हम लोगों से बातचीत नहीं की गई है, सिर्फ वो बात हम लोग सुनते हैं, अंदर जाते हैं, अपना डिसीजन लिख के लेके आते हैं, बोलते हैं, अपनी डिसीजन सुना देते हैं, देन वो कहते हैं आप लोग जियो या मरो, अगर इस पे अगर आप लोग एग्री करते हो तो आप लोग ऑफिस के अंदर आइए, कॉल्स कंटिन्यू करिए, अगर आपको नहीं एग्री है तो आप जाइए बाहर में जाओ, मर जाओ, जियो मरो, हमें नहीं मतलब है। तुम लोग प्राइवेट लोग हो, तुम लोग अपनी किस्मत पे रहो, हम सरकारी हैं, हमें जो करना है हम कर लेंगे। ये कितने समय से आप नौकरी कर रही हैं? हमें इस समय 3 साल से हो गया, लेकिन बहुत सारी लड़कियां 7 साल से काम जॉब कर रही है यहाँ पे, मुझे अभी 3 साल कंटिन्यू हुआ है। यहाँ बहुत सी लड़कियां ऐसी जो 7 साल से कंटिन्यू जॉब कर रही है बट किसी की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। देखिए आप सभी लोगों से एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों की जो आवाज, तो इसीलिए तैनात किया गया है ताकि अगर कोई महिला अनकंफर्टेबल हो पुरुष कर्मचारियों से बात करने में तो वो इनसे आराम से बात कर सके। ऐसे में जब बीती देर रात से इनके साथ लगातार पुलिस की बदसलूकी, अभद्रता देखने को मिल रही है तो क्या कोई महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी क्या? क्यों आखिर जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनको मोर्चा संभालना पड़ा? देखिए मुस्कान जी, इस मामले को लेकर के साफ तौर से, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देखा गया है, फिर चाहे वहां पर पुरुष पुलिसकर्मी हो या फिर महिला पुलिसकर्मी हो, दोनों ही लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो अगर आरोपों की बात की जाए तो आरोप इन लोगों का साफ है कि वहां पर जो इन लोगों का जो पूरा मोर्चा था वो जिस तरीके से इन लोगों ने खोला था, तो उस मोर्चे के दौरान इन लोगों के साथ जो मारपीट की गई थी तो उसमें केवल महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर ही आरोप नहीं है, साफ साफ जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन पर भी साफ आरोप लगाया गया है कि उन लोगों के द्वारा इन लोगों से मारपीट की गई थी। मारपीट करने के दौरान इन लोगों को धक्के मुक्की के साथ पूरी तरीके से बैठाया गया था, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार सभी का वही आरोप है, क्योंकि लगातार लोग हाथ भी उठा रहे हैं, बातचीत अपनी कहना चाह रहे हैं और इन्हीं सब मामलों को लेकर के, क्योंकि आप खुद इस मामले में सुनेंगे प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन सभी चीजों को लेकर के। हाँ वहां पे जो जिस तरीके से एक चीज और जो एक्सपर्ट लगातार सामने देखने को मिल रही है वो ये है कि एक तो इन महिला कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है समय से, और एक नया विज्ञापन जारी किया गया है वो भी हायरिंग को लेकर, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानिए। देखिए जिस तरीके से जो सैलरी को लेकर के आप लोगों की बातचीत रखी जा रही है और जो वेतन है आप लोगों का, इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ रणनीति है आप लोग? पहली चीज, अगर हम लोग की सैलरी 10,000 से 11,000 है, ये लोग गलत बोल रहे हैं कि हम लोग की सैलरी इतनी है, नहीं है। किसी भी साल पे हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, गलत सूचना दी जा रही है कि 1300 रुपये हर पर ईयर हम लोग की कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रही है, झूठा बोल। दूसरी चीज़, हम लोग संविदा पे नहीं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर से जॉब कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हम लोग साथ अंदर मिसबिहेव बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक डिपार्टमेंट की चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं वो अंदर चीज़ें नहीं हैं। जिस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट की भी चीज़ें, जैसे डिपार्टमेंट के लोग भी छुट्टी पे आते हैं, सारी चीज़ें उनका वर्क हम लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिसाब से किसी भी तरह से कोई भी हम लोग को रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ मिल नहीं रही है, सीधी सी बात ये है। और हम लोग यही डिमांड है कि हम लोग की सैलरी बढ़ा दी जाए और हम लोग की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं। जब से पहले महिंद्रा कंपनी से आप लोगों का अटैचमेंट था, उन लोगों के द्वारा ऑफर लेटर आप लोगों को दिया गया था, सैलरी का इशू था, लेकिन अब जब से दूसरी कंपनी आई, विभिन्न करके जो आई है उसको लेकर के जब से आई, क्या आप लोगों से कोई उन लोगों की वार्ता हुई? क्या जो नौकरी से आप लोगों को निकालने की जो बातें हो रही हैं उसमें किसी तरह की बात हुई? क्या ऑफर लेटर आप लोगों को मिला जो आप लोगों की मांग है? हम लोगों को टेकम ने भी, हम लोगों ने बोला था 2 बार सैलरी बढ़ाने के लिए, बट हमारी बात नहीं हुई है। विभिन्न वालों का कहना है कि हम आपको ऑफर लेटर देंगे, लेकिन कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। कह रहे हैं कि आप दिवाली करिए हम देंगे आपको, लेकिन कब तक देंगे कोई कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। सैलरी की डेट क्लियर नहीं कर रहे कि आपको सैलरी कितनी देंगे, कब देंगे, कौन सी डेट में देंगे और कितनी सैलरी देंगे, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। उनका कहना है आप लोग करिए, आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। वर्बली तो सब लोग बोलते हैं कि आपको हम इतना देंगे, लेकिन देंगे कितना हमें इतना जानना है ना कि हमारी सैलरी की डेट क्या होगी।
ये सारे इश्यूज है सर। तो जिस तरीके से यहाँ पे मुस्कान जी आप खुद तस्वीरों में देख रही हैं, सुन रही हैं, जो इन लोगों की मांगे हैं वो खुद साफ तौर से इन लोगों की खुद की जुबानी देख रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए आगे इन लोगों का जो स्टेप है, तो स्टेप क्या इन लोगों का रहेगा, क्योंकि अगर राजनीतिक मोड़ की बात की जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष भी हमलावर तो हो ही रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जो आवाज उठाई जाती है, उन आवाजों को लेकर सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी लगातार जो सोशल मीडिया है उस पर अपना तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो जो सपा की बात की जाए, क्योंकि सपा के नेता भी जो महिला नेता है वो खुद इन लोगों के बीच पहुंची थी, इन लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन जो अगर कदम की बात की जाए, क्योंकि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि महिलाओं के साथ लगातार खड़ी हुई हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो इन लोगों के स्टेप की, तो आखिर जो इन लोगों की मांग है, उन मांगों का अगर किसी तरीके से निस्तारण नहीं होता है, तो आखिर ये लोग इसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, इस मामले को लेकर के भी साफ इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर आगे का जो इन लोगों का स्टेप होगा वो स्टेप क्या रहेगा, ये बताइए।